Well, the song is very nice and very, very melodious. I'm definitely going to say ki awaaz mein ek alag hi jadoo hai. And it was a pleasure. I think Yasir, the singer, is right next to me. So, ek tarah se compliment main dena chahunga ki inki awaaz jo hai ekdam stand out karti hai. And definitely, ek baar jo ye gaana sunega, baar baar ise sunna chahega. Well, music videos were always a trend. I remember, I think, 20 साल पहले भी एक दौर म्यूजिक वीडियोस का था और उनमें जितनी भी एक्ट्रेसेस हिट हुई थी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट सब ने अपना एक तरह से करियर बना लिया. आई एम श्योर यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. एवरीबडी नोज हु वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आई थिंक जो पहला सबसे फेमस म्यूजिक वीडियो रहा था, दैट वॉज कलियों का चमन, और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था. एंड इफ इस तरह का दौर वापस आता है, बट फॉर दैट द म्यूज़िक हैज़ टू बी ब्रिलियंट, द म्यूज़िक वीडियोज़ हैव टू बी ब्रिलियंट, एंड वट एवर यू मेक हैज़ टू बी आउटस्टैंडिंग. सो आई फील इफ दिस इज वॉट द न्यू चेंज इज, आई वुड डेफिनेटली वेलकम द चेंज. वेल, आई थिंक सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है उसमें आई थिंक आई हैव हर्ड कि टिकटॉक वीडियोस के स्टार बन चुके हैं. उसमें किसी की डेथ भी हो गई थी, कोई मर भी गया था. सो दैट शोज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. इफ़ यूज करेक्टली यू कैन बिकम अ स्टार. बट माइंड यू, मेरा ये मानना है कि जब तक लोग लाइन में लग के आपके लिए टिकट नहीं खरीदते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, तब तक आप स्टार नहीं हैं. आई वुड नॉट इवन से एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन आर बिग स्टार्स. फैक्ट यही है, जब तक लोग लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं खरीदेंगे, आप इस गलतफहमी में मत जिए कि आप एक स्टार हैं. फॉर सम टाइम सोशल मीडिया आपको स्टार बना देगा, बट नॉट अदरवाइज. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी सेकंड टाइम सॉन्ग सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू है. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा काम करके एंड ये सॉन्ग करके, एंड बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हमने शूट किया है. मैन अभी बाकी सब तो बहुत अच्छा लगा. आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर द सॉन्ग इन गोवा, और इनकी वॉइस इतनी मैजिकल है, और हामिद सर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड सॉन्ग तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. जब ऑफर हुआ तो माइंड में क्या चल रहा था? ऑफर हुआ एज योर सॉन्ग, आई वाज लाइक ऑब्वियसली एक्साइटेड बिकॉज इट्स जी एंड ऑल, बट आई डिडंट नो कि इतना अच्छा आउटपुट होगा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. फर्स्ट जब मैंने सॉन्ग सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी है, मुझे पूरी स्टोरी बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो फिर हमने ये सॉन्ग किया, एंड वो फल जो होता है वो हमें मिला, तो या बहुत अच्छा लगा. जी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के क्या रिस्पॉन्स आता है. आई एम श्योर अच्छा होगा. वी आर ऑल होपिंग कि अच्छा हो, बिकॉज गाना अच्छा है, वीडियो अच्छा है, कास्ट भी अच्छा है. So, fingers crossed. ये मुझे काफ़ी अच्छा सॉन्ग लगा, और मेरे जो सिंगर उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया. और हालांकि गाना पूरा भी बहुत प्यारा गाना है, और जो स्टार कास्ट जो को आर्टिस्ट उन्होंने भी बहुत प्यारा किया है, तो स्टोरी भी बहुत प्यारी है, गाना बहुत प्यारा है. नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली सॉन्ग ही बहुत प्यारा था. मैंने सॉन्ग ही सुना तो मुझे सबसे प्यारा गाना ही लगा, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मुझे गाना ही सुनने को मिला. आप क्या फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा लगता है सर, मतलब जब अप्रिशिएट करते हैं लोग आपका काम, तो इट फील्स गुड, इट ऑलवेज फील गुड. चाहे पिक्चर बड़ी हो छोटी हो, गाना बड़ा हो छोटा हो, इट डजंट मैटर, व्हेन एवर यू बीइंग अप्रिशिएटेड फील्स नाइस. डज
जितने भी गाने हैं थोड़े बहुत मैंने सुने हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड शूट का कहना चाहे गाने का कहना चाहे शूट बहुत अच्छे से हुआ है एंड हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वो लोकेशन तो बहुत ही अमेजिंग थी एंड बहुत मज़ा आया शूट करके। सब कुछ एकदम अच्छे से हुआ, शूट भी अच्छे से हुआ एंड सब हर चीज़ था बहुत अच्छे से हुआ तो बहुत मज़ा आया। एंड अभी अभी रिलीज़ हुआ है तो अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं कि हाँ अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। जैसे इंशाल्लाह तो अभी 60K हो गया है हमारा, तो ऐसे ही आगे जाए और ऐसी कामयाबी हो। क्या बोले अभी तो मुझे मैंने गाना सुना एंड सबने सुना तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा अच्छा कह रहे थे। तो मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो मतलब मैं बहुत चुलबुली टाइप की बबली हूँ एंड क्यूट है, वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ, तो जो जो मैं असली में हूँ वैसे मैं गाने में भी हूँ, तो बहुत मज़ा आया। बाकी हमारे कास्ट और भी है, सबको बहुत पसंद आया, इनकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ हो रही है और पूरी टीम की तारीफ़ हो रही है एंड आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल और मेलोडियस लग रहा है, सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि प्रोडक्ट इतना अच्छा आया है। मुझे बहुत ही प्यारा और काफ़ी लाइक्स आए हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सबको काफ़ी पसंद आया सॉन्ग, क्योंकि ये गाना भी बहुत प्यारा है, गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत आई एम वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स इट फील्स नाइस टू बी अप्रिशिएटेड, बट मैं जब गाना गाता हूँ तो मतलब मैं आउटकम सोच के नहीं गाता, दैट वे आई कैन परफॉर्म बेटर। आई थिंक वेब कंटेंट हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा है एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक यू नो एनी बडी कैन कम अप एंड डू एनी थिंग और फिर उसके लिए प्रेजेस मिलते हैं और फिर सबके सामने एक्सपोज होते हैं, सो आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन दिस एरा। काफ़ी अच्छे है प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता है और काफ़ी फायदे से लोगों को और काफ़ी अपॉर्चुनिटी। सब न्यू न्यू आज बहुत ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग्स इन ऑल का, तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगी मतलब ऐसे ही सब लोग अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते रहे एंड सबके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहते रहे और उसी से कामयाब होते रहे। बस दुआएं सबके साथ, मेरी भी और सबकी मेरे साथ भी, कि ऐसे ही होता रहे, अच्छा अच्छा जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक तो बहुत पसंद है मुझे। उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है, बट इस बारे में मुझे उतना पता नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि क्या हुआ था, बिकॉज मैंने उतना जाना नहीं है, तो अगर मुझे पता होता तो मैं बोलती भी, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। एंड किस्मत में जो लिखा है, मतलब जो होना होता है वो हो जाता है, तो जो होना होता है वो बाद में उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है, तो इसलिए शायद ये होना होगा। आप सब इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बहुत खुशी होती है, जैसा आप मुझे इतने सालों से सपोर्ट करते आ रहे हो वैसे हमारे गाने को सपोर्ट करिए, उनको उसको प्यार दीजिए, बस इतना ही कहना था। आई लव यू ऑल सो मच। क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस चाहूँगी कि आप सब गानों को देखिए, सपोर्ट करिए, सबसे शेयर करिए, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच। पहली फिल्म 100 करोड़ चली गई, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, अ बिग शाउट आउट टू माय ऑडियंस, क्योंकि आपने मुझे आज तक एक भी हेट कमेंट नहीं दिया है। सारे इन्फ्लुएंसर, सारे एक्टर्स को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना हेट मिलती है, लेकिन मुझे आज तक एक भी हेट नहीं मिली, बल्कि आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। और दूसरी फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, मुझे ये कहना चाहूँगा। हाँ जी, दरमियाँ मैंने सॉन्ग देखा, एक तो जी म्यूज़िक, तो म्यूज़िक पे तो कोई संदेह नहीं है, बहुत ही A1 म्यूज़िक है, और किशोर फिल्म्स ने बहुत ही, एक सेकंड, किशोर फिल्म ना, हाँ,
जी म्यूज़िक में म्यूज़िक का तो कोई संदेह ही नहीं है, और किशोर फिल्म से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, एक ओवरऑल एक बहुत ही A1 क्वालिटी कंटेंट बनाया है। तो मैं अरिशफा, मेरी जो फ्रेंड है जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, उसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि उसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का पार्ट बनी। टिकटॉक ने यार हाल ही में मुझे बहुत कुछ दिया है, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक टिकटॉक आर्टिस्ट कहलाऊँगा। मुझे हमेशा एक एक्टर कहलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज कहीं भी जाता हूँ तो लोग एक टिकटॉक आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं फ़ैन्स का बहुत ही भूखा हूँ, बहुत ही लालच है मुझे फ़ैन्स की, जो प्यार आप मुझे देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भले ही मुझे टिकटॉक आर्टिस्ट बुलाओ अब तो भी मुझे चलता है। तो हम जब से हम मिले हैं हमारा ग्राफ ऐसे, सबका ग्राफ ऐसे बढ़ता है, हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। तो अगर शायद मेरी टीम नहीं होती, मेरी टीम बिगाड़ा, तो इतना इजीली मैं नहीं बढ़ता, लेकिन इतना इजीली नहीं बढ़ता। इन मेरे जो समीक्षा और विशाल हैं, इन दोनों मेरे जो दो पिलर्स हैं मेरी लाइफ में, बहुत साथ दिया इन्होंने मुझे, और हम हमेशा हर जगह साथ में जाते हैं। आज दोनों बिजी थे तो नहीं आ पाए, लेकिन हम आए। कुछ नहीं, किसी को नहीं बता रहा है ये किसी को भी नहीं दे रहा है आंसर। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि हमेशा मेहनत करूँगा, और जैसे वीडियोस बनाता हूँ जिससे आप लोगों के मुँह पे चेहरे पे हंसी आए, मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। ऐसे ही प्यार करते रहिए। तीन तिगाड़ा लव्स यू, भाविन लव्स यू। मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा जो भी मैं करती हूँ उसको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, इतनी एंटरटेनिंग आपको लगती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड 13 मिलियन ऑलरेडी ऑन टिकटॉक। जो भी है मेरा यू नो जेन्युइन फैम है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग खुश होते हो वीडियोज़ देख के। दरमिया, इसका पोस्टर बहुत अमेजिंग लगा मुझे, द फील ऑफ द सॉन्ग इज़ सुपर कूल। एंड जी म्यूज़िक हमेशा जो भी नए नए गाने लाता है हमेशा अच्छे होते हैं। मेरा पहला गाना खुद तरसेन है ना, जी म्यूज़िक के साथ था। एंड अरिशफा को ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत खुश रहती है जो भी करती है, हमेशा हैप्पीनेस के साथ करती है। तो ये भी उसने वीडियो इतना हैप्पीनेस के साथ किया है, सो प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए इसको और शेयर कीजिए। अरिशफा के साथ फ़नी इंसिडेंट तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। हम लोग की बहुत अमेजिंग बॉन्डिंग रही है, मैं जब भी उसको बुलाती हूँ ना वो हमेशा खुश रहती है, हम लोग जब भी मिलते हैं हमेशा यू नो एक्साइटेड रहती है, और डांस करने में बहुत ही क्रेजी डांस और बहुत ही अच्छा डांस करती है। सो हम लोग अच्छे डांस पार्टनर्स हैं आई वुड से। सो अरिशफा को ऑल द बेस्ट फॉर हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। एक्चुअली आइडिया अभी तक किसी ने हमें दिया नहीं है, बट जो भी आइडिया लेके पहले आएगा उसके साथ ज़रूर करेंगे। जी देखिए टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मीडियम है, इट्स वर्ल्ड वाइड एंड इट्स इंटरनेशनल, एंड बहुत कुछ कर सकते हैं आप, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं ऑडियंस को। ऐसा पहले कभी था नहीं, जब मेरे टाइम पे व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री तब आई केम थ्रू अ डांस रियलिटी शो, बट यहाँ पे आपकी चीज़ें फटाफट वायरल होती हैं और आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं नेक्स्ट। एंड आई थिंक टिकटॉक इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेट एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, सो आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेस टू शोकेस योर टैलेंट ऑन। जी एब्सोल्युटली, जी जी। जो टैलेंट अनदेखा हो चुका था, जिनको कभी टाइम नहीं मिला या जिनको कभी रिकग्नाइजिंग नहीं मिला, सो आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छी चीज़ हुआ है टिकटॉक। सो या ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज पीपल आर स्टिल ट्राइंग, एंड ट्राई करते रहिए, जो भी है किस्मत में लिखा है तो होना ही है। सो एक्चुअली फैजू का आई वुड से आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, बट ही इज़ अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग,
एंड अभी जो भी हुआ है उनके साथ हाल ही में, मैं उसके बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट. अगर मैं वहाँ यू नो मैं देखती, अगर मैं न्यूज़ पढ़ती अच्छे से, या मैं डिटेल में जाती, मैं गहराइयों में जाती बात की, तो यू नो आई हैड द पावर टू कमेंट ऑन इट. अभी मैं जेन्युइन नहीं होगा जो मैं बोलूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आई फील. सो अगर मुझे पता होता तो मैं कमेंट करती, सो बेटर रहता उस चीज़. जी आई रियली डोंट नो, बट जनता ने किया है जो भी हुआ है, एंड जनता ही है जो प्यार करती है, सपोर्ट करती है, इतनी ऊंचाइयों तक लाती है. सो आगे भी जो होगा, हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. सो लेट्स सी, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, बट यार मैं टिकटॉक के साथ थोड़ी ना एवरीडे मीटिंग करती हूँ. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट जो भी है वो कभी ना कभी किसी तरीके से इंस्पायर तो करेंगे लोगों को. थैंक यू सो मच.